कि उनके जो दिमाग में है ना वो सावरकर ही घूम रहा है और गोडसे, क्योंकि वो गोडसे वादी है। जनता क्यों घबराई है? जनता क्यों घबराई है? उनको महिलाओं का, किसी का दुख दर्द नजर नहीं आ रहा, मजदूरों का दुख दर्द नजर नहीं आ रहा, किसानों का दुख दर्द नजर आ रहा, किसी भी चीज का दुख दर्द नजर नहीं आ रहा। मतलब जो भी इस देश में किसी भी चीज के खिलाफ बोलेगा वो आतंकवादी करार कर दिया जाएगा या उसका हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया जाएगा। बुलडोजर उनको महंगाई पर चलाना चाहिए, बुलडोजर उनको बेरोजगारी पर चलाना चाहिए। के संविधान को तो उन्होंने बंद करके अलग किनारे रख दिया है, अब तो वो अपना संविधान लाना चाहते हैं। संविधान से छेड़छाड़ तो हो ही रही है ना भैया, आप बताइए संविधान के खिलाफ नहीं हो रहा सब कुछ? जनता क्यों घबराई है? जनता क्यों घबराई है? ठीक है, बोलो। जो आपने अभी रैली निकाली है, रैली निकालने का मकसद क्या था? क्योंकि इस रैली में लगातार महंगाई के खिलाफ भी नारे लग रहे थे और मोदी सरकार के खिलाफ भी। देखिए आज बाबा साहेब के जन्मदिन के अवसर पर हमने ये जो रैली निकाली है ये लोगों को जगाने का काम किया है, क्योंकि आज नहीं तो कब घर का बजट लोगों का बिगड़ता जा रहा है, महंगाई तेज़ी से बढ़ती जा रही है, महिलाओं से पूछो उनके दर्द कितना बाहर निकल रहा है, 1000 रुपये से ऊपर का वो सिलेंडर इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो अपने जो खुद के खर्चे हैं उसमें कितना कटौती करेंगी। मगर सरकार को ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में 400 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था और आज देखिए 1000 रुपये का सिलेंडर है। सात सालों में 70 सालों तक 250 में सिलेंडर मिला। देखिए 70 सालों के अंदर 380 रुपये से ऊपर सिलेंडर, 300 रुपये से ऊपर सिलेंडर कभी गया नहीं, और आज 7 सालों के अंदर इन्होंने 1000 रुपये लिया है। सब्सिडी मिलती थी, आज क्या मिल रहा है भैया? कुछ नहीं मिल रहा। पेट्रोल देखिए ना, लगभग 60 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ करता था, आज देखिए 100 रुपये से ऊपर का लीटर है तेल है। लगातार इसमें महिलाएं आपकी रैली में बहुत ज्यादा तादाद में शामिल रही, क्या इसके पीछे महंगाई की वजह है? क्या महंगाई? बिल्कुल, महिलाओं को जब पता चला कि आज हम एक रैली महंगाई के खिलाफ भी निकाल रहे हैं, तो महिलाओं ने घर से आकर इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त करके वो आगे आए। उनको पता है कि उनके घर का जो बजट है वो बिगड़ता जा रहा है। पर महंगाई ना तो केंद्र सरकार को नजर आ रही है ना राज्य सरकार, जो केजरीवाल भैया वो सत्ता के नशे में इतने चूर चूर हैं कि उनको महिलाओं का, किसी का दुख दर्द नजर नहीं आ रहा, मजदूरों का दुख दर्द नजर नहीं आ रहा, किसानों का दुख दर्द नजर आ रहा, किसी भी चीज का दुख दर्द नजर नहीं आ रहा। अब आप ये बताइए कि क्या होगा इस देश में, क्या होगा? मतलब जो भी इस देश में किसी भी चीज के खिलाफ बोलेगा वो आतंकवादी करार कर दिया जाएगा या उसका हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया जाएगा। बुलडोजर चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। बुलडोजर उनको महंगाई पर चलाना चाहिए, बुलडोजर उनको बेरोजगारी पर चलाना चाहिए, मगर वो बुलडोजर लोगों के विश्वास पे बुलडोजर चला रहे हैं, लोगों के पर बुलडोजर चला रहे हैं। बाबा साहब के संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? बाबा साहब न्यायालय पे भरोसा नहीं क्या? मैं कहना चाह रहा हूँ, जब से मोदी सरकार आई है कमर तोड़ महंगाई है, और जब से मोदी सरकार आई है संविधान, भारत के संविधान को तो उन्होंने बंद करके अलग किनारे रख दिया है, छेड़छाड़ कर, अब तो वो अपना संविधान लाना चाहते हैं। संविधान से छेड़छाड़ तो हो ही रही है ना भैया, आप बताइए संविधान के खिलाफ नहीं हो रहा सब कुछ? जो इस देश के खिलाफ, संविधान के तहत अगर आपको किसी चीज का आंदोलन करना है तो आपको राइट है, मगर आज आप किसी भी चीज के लिए बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते बताइए? क्योंकि आपका हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया गया है। तो मैं ये सिर्फ आपके चैनल से कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, कि महंगाई बहुत हुई और अब बदलाव की ज़रूरत है, अब लोगों को कांग्रेस की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को विश्वास था केजरीवाल के ऊपर, आज केजरीवाल ने क्या करा, मोदी के साथ हाथ मिला के बैठ गया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों की महंगाई के बारे में, लोगों को बेरोजगारी के बारे में। अगर उसको फर्क पड़ता है तो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करने का, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री करने का। आप देखिए जहां सरसों का तेल 200 रुपये से ऊपर का है और वहां एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, क्यों? क्योंकि उनके जो जरूरती मुद्दे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर ध्यान दिया जा रहा है तो किस पर ध्यान दिया जा रहा है? अपनी चीज़ें पर, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल और मोदी सरकार ये सिर्फ जन विरोधी सरकार है, क्योंकि इसके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ ही आज हमने एक छोटी सी रैली निकाली है, और
आज बाबा साहेब का जन्मदिन है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप भी बाबा साहेब को फूल अर्पण करें, जहाँ मौका मिले वहाँ करें। धन्यवाद। के अवसर पर हम ये संदेश देना चाहते हैं, एक तो इस क्षेत्र में और क्षेत्र से जो जो ये वीडियो आपके माध्यम से भी, कि पूरे भारत में ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज नहीं तो कब बोलोगे आप। कितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, कितनी तेज़ी से बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसके बाद हमें हिंदू मुस्लिम जिहाद इस तरीके से मतलब लड़ाया जा रहा है, तो ये गलत है। हम जयंती के अवसर पर ये लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि भाईचारा जो पहले था वैसे बनाए रखना है, क्योंकि सरकारें हमें उन मुद्दों से भटका रही है जो मुद्दे आज बड़ी तेज़ी से इस देश में बढ़ रहा है। मुद्दे सबसे बड़ी महंगाई, मुद्दा सबसे बड़ी बेरोज़गारी। लोग माँ बाप अपने बच्चों को घरों में पढ़ा पढ़ा के बिठा रखा है, नौकरी कहीं नहीं है। महंगाई 1000 रुपये से ऊपर सिलेंडर हो चुका है, 110 रुपये से ऊपर पेट्रोल का दाम हो चुका है, डीजल का दाम भी 100 रुपये ऊपर है। मतलब आज नहीं तो कब बोलोगे आप, ये बताइए आप। सरसों का तेल 80 रुपये लीटर हुआ करता था, आज देखिए 200 रुपये से ऊपर है। दालें हों, सब्जियां हों, नींबू, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी नींबू पानी पी के अपना गुजारा कर सकता है, मगर आज वो नींबू बिल नहीं ले सकता, क्योंकि नींबू का रेट भी 300 रुपये 400 रुपये किलो हो चुका है। तो ये देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है और उसमें कानून ना तो जज ना कोर्ट किसी का सहारा नहीं ले जा रहा, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये देश संविधान से चलेगा क्या इस तरीके की हरकतों से? देखिए, देश तो संविधान से चलता हुआ आया था, मगर आज की सरकारों ने ये देश संविधान से चलाना बंद कर दिया है। बिल्कुल संविधान को बंद करके साइड में रख दिया है, अब वो अपने तरीके से देश चला रहे हैं। जब चाहे, जब जिसको चाह उसे बंद कर देते हैं, जिसको चाह उसको आतंकवादी करार कर देते हैं, जिसको चाह उसको मार देते हैं, ये इनका राज चल रहा है। तो इस पर कैस किस तरीके से अंकुश लगाया जाएगा, क्योंकि संविधान में हमें सारी शक्तियां प्राप्त हैं, एक कॉमन सिटीजन के लिए सारी चीज़ें बाबा साहब ने छोड़ के गए हैं, वो उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। देखिए, देश पहले बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहा था जी, मगर मैं बता रहा हूँ ना आपको, अब जो सरकारें आई हैं ना, इन सरकारों ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। मतलब आज देखो आदमी खुश नहीं है। मतलब पहले क्या होता था, लोग बुला बुला के पास में बिठाया करते थे, चाय पानी हर चीज़ के लिए पूछा करते थे। आज लोग महंगाई और बेरोज़गारी में इतने परेशान हो चुके हैं ना, उनके चेहरों से हंसी सब गायब हो चुके हैं। जयंती तो भी मना रहे हैं ना, जिन्हें आप कह रहे हैं कि संविधान से नहीं चल रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, बाबा साहब इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनके नाम से वो करेंगे ऐसा? उनको पता है, उनको जहाँ भी फोटो सेशन करना है वो करते हैं। क्या लगता है दिमाग में उनके सावरकर और गोडसे हैं क्या? बिल्कुल, बहुत माफ कीजिए मैं ये लाइनें भूल गया था, मगर आपने मुझे याद दिला दी कि उनके जो दिमाग में है ना वो सावरकर ही घूम रहा है और गोडसे, क्योंकि वो गोडसेवादी हैं, वो गोडसेवादी हैं, संविधानवादी नहीं है, अंबेडकरवादी नहीं, बिल्कुल नहीं है भैया। बहुत बुरा हाल है, देश खतरे में है, श्रीलंका जैसे हालात होने वाले हैं। कितना मिल रहा है, क्या खाएगा आदमी? 60 रुपये किलो दूध हो रहा है भैया, कौन ले सकता है? आज भी माँ अपने बच्चों को भूखा सुलाती है भैया, पता है आपको? एक टाइम का दूध पिलाती है, और शायद कभी कभी तो वो भी नहीं पिलाती, एक टाइम का खाना खिलाती है। भैया हमारे देश में ऐसे भी मजदूर लोग हैं जो डेली कमाते और डेली खाते हैं, जिस दिन उनकी दिहाड़ी नहीं लगती उनका, उस दिन क्या कैसे बीतता कभी पता है? आप देख कर आइए, झुग्गी झोपड़ियों में देख कर आइए भैया, बहुत बुरा हाल है। श्रीलंका जैसे हालात बहुत बहुत ही जल्दी, जैसे इनके कारनामे ना, बहुत जल्दी इस श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर लगातार शिक्षा संघर्ष और संगठित होने की बात करते रहे, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो शिक्षा महंगी होती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, क्या गरीब शिक्षित हो पाएगा क्या? सबसे बाबा का एक संदेश था बाबा साहब अम्बेडकर का कि शिक्षित हो जाओ, और शिक्षित होने के बाद नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे बाबा साहब का तो ये सपना था,
और ये साकार भी हो रहा था और लगभग हो चुका था, मगर अब की जो सरकार है ना, उन लोगों ने शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि अब लोग शिक्षा नहीं ले सकते। आप समझ रहे मेरी बात? और संघर्ष, अब हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, अब आप देखिए महंगाई के खिलाफ, क्योंकि हमें असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। आप समझिए मेरी बात को, तो ना देश पढ़ेगा और ना देश आगे बढ़ेगा।